हम सब सोचते हैं कि छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर दीक्षा दी जाती है। आज इस मान्यता की जड़ मूल को हिलाकर रखते ऐसी एक मिसाल हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। आइए पहले हम इन तीन महान हस्तियों के बारे में जानते हैं। युग प्रधान आचार्य सम चंद्रशेखर महाराज साहब। ऐसा कहा जाता है कि लाखों युवकों में जैन धर्म के लिए मरने और मिटने की आग जगाने वाले ये महापुरुष थे। आज उनके 120 से अधिक शिष्य प्रशिष्य है और 250 से अधिक पुस्तकें उनके द्वारा आलेखित की गई है, जिनकी पालकी यात्रा में 1,00,000 से अधिक लोगों की भीड़ अहमदाबाद के राजमार्गों पर उतर आई थी और इन सभी के मुख पर एक नारा था, देखो देखो कौन आया जिन शासन का शेर आया। क्या आप जानते हैं ये महापुरुष किन किन निशा में थे? अब आइए जानते हैं दीक्षा दानेश्वरी गुण रत्न सूरी जी के बारे में, जिनके हाथों से 437 से अधिक मुमुक्षुओं ने दीक्षा ग्रहण की है, जिनके साधुओं की संख्या 120 से अधिक है और साध्वीजियों की संख्या 300 से अधिक, जिनके पास भंवरबाई दोषी जैसे कई धनवानों ने अपना जीवन समर्पित किया, वैसे ये महापुरुष। क्या आप जानते हैं ये महापुरुष किन किन निशा में है? अब आइए जानते हैं पद्म भूषण आचार्य श्री रत्न सुंदर सूरी जी के बारे में। वैसे तो इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके ध्यान के लिए, जिनकी 350वीं पुस्तक का विमोचन फरवरी 2020 में है, जो अपने प्रवचनों के द्वारा भूले भटके लोगों को सही मार्ग दिखा रहे हैं, जिन्होंने नैतिक शिक्षण के लिए और अनैतिक शिक्षण को दूर करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया था और ज्वलंत सफलता भी प्राप्त की थी। क्या आपको मालूम है ये महापुरुष किन को अपने गुरु तुल्य मानते हैं? ये तीन महान हस्ती उनको अपना गुरु तुल्य मानते हैं, जिस महापुरुष का नाम है सिद्धांत दिवाकर गच्छाधिपति श्री जयघोष सुरेश्वर जी महाराजा। ये तो आपने जयघोष सुरेश्वर जी महाराज साहब की बाहरी समृद्धि देखी, अब हम आपको इन्हीं महाराज साहब के भूतकाल में ले जाना चाहते हैं। हम बहुत बार भूतकाल से व्यक्ति को जज करते हैं, पर भूतकाल चाहे कितना भी नटखट क्यों ना हो, भविष्य 100% उज्ज्वल हो सकता है। 13 वर्ष की उम्र, जिसे हम चंचलता की उम्र कहते हैं, एक छोटे मुनि अपने गुरुवर को कान में जाकर कुछ कहते हैं। गुरुवर उठते हैं और ये छोटे मुनि उंगली पकड़कर उन्हें रूम में ले जाते हैं। वे छोटे मुनि अपने गुरु के हाथ में गुब्बारे की डोरी देते हैं। गुरुवर कहते हैं, जयघोष ये क्या है? छोटे मुनि उत्तर देते हैं, गुरुदेव ये गुब्बारा है, इसे आप छोड़िए ना। छोटे मुनि के कहने पर गुरुदेव उस गुब्बारे को छोड़ देते हैं। गुब्बारा रूम की सीलिंग पर जा लगता है। छोटे मुनि बहुत खुश होते हैं और वापस उस गुब्बारे की डोरी पकड़कर वे उसे नीचे लाते हैं। छोटे मुनि गुरुदेव के पास फिर से हट करते हैं। गुरुदेव वापस एक बार। इस पर गुरुदेव उन्हें उत्तर देते हैं, जयघोष हम साधु हैं। ऐसे ये नटखट छोटे मुनि को गुरुदेव ने पात्रता देखकर कर्म ग्रंथ आदि के अभ्यास में जोड़ा। ये बाल मुनि पढ़ाई करते गए और आज 1200 से अधिक साधु साध्वियों के लिए गुरु तुल्य आश्रयदाता ये महापुरुष ये नटखट बाल मुनि बने। इनके लिए ऐसा कहा जाता है कि इनके मुख से जो वचन निकलते हैं वे साक्षात फलीभूत होते हैं। इनके लिए ऐसा भी कहा जाता है कि वर्ल्ड के गिने चुने मैथमेटिशियंस में आते हैं। इनकी मेधा शक्ति ऐसी है कि कोई उनके पास जाकर आगम संबंधी कुछ संदेह पूछे तो वे पेज नंबर एवं लाइन नंबर के साथ उस संदेह को दूर करते हैं, और इसीलिए ही उन्हें मोबाइल आगम लाइब्रेरी कहा जाता है। एक समय के ये नटखट बाल मुनि आज गच्छाधिपति के पद को शोभायमान कर रहे हैं। ये महापुरुष अब अहमदाबाद में हॉस्पिटलाइज हुए हैं। उनकी प्रसन्नता तो गजब की है, परंतु जिन शासन को एक अलग ऊंचाई पर लाने वाले इन महापुरुष के लिए हम कुछ कर सकते हैं। इन महापुरुष के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम ज्यादा से ज्यादा आयम्बिल करें। अगर हमसे आयम्बिल ना हो पाए तो कम से कम प्रभु के पास सच्चे मन से प्रार्थना करें। हो सके तो इनके स्वास्थ्य के निमित्त एक नवकार की माला या भाव से पूजा या किसी भी प्रकार की धर्म आराधना या दान पुण्य ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें। एक शासन सुभट को हम कुछ ना कुछ दे पाएंगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म।